हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जनवरी और जुलाई 2021 से आपको सबसे ज़्यादा महंगाई भत्ता, सबसे ज़्यादा महंगाई राहत आपको मिलने वाली है। इसके रिगार्डिंग सरकार ने अभी अभी जो है ताज़ा आंकड़े जारी कर दिए हैं, तो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डीए और डीआर को लेके, यानी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेके। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। फाइनली आपका जुलाई 2021 से कंफर्म हो चुका है कि कितना परसेंट आपको डीए और डीआर प्रोवाइड कराया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल में पहली बार आए, यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो इस रेड बटन पर प्रेस करके चैनल के आप देख सकते हैं वीडियो के नीचे स्क्रीन पर नीचे आप देख सकते हैं सब्सक्राइब का इस कलर कर इस टाइप का रेड कलर का एक बटन होगा, उस पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो है हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस घंटे आप देख सकते हैं जस्ट उसी के सामने जहाँ आपने सब्सक्राइब किया है, उसी की राइट साइड में इस टाइप का एक घंटे का निशान होगा, उस पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच कर पाएंगे। चलिए आपको सीधा लेके चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। आप देख सकते हैं जो कि जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से, मार्च मंथ की ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो फाइनली आप देख सकते हैं अभी अभी जारी किया गया है आप जो है PIB की वेबसाइट पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हर मंथ की लास्ट वर्किंग डे को जो है सरकार की तरफ से एक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा पब्लिश किया जाता है, और उसी डेटा की जो है उसी डेटा को डीए और डीआर की वैल्यू में पुट करके, कैलकुलेटर में पुट करके आपका डीए और डीआर आपका तय किया जाता है। तो जो हर मंथ की लास्ट वर्किंग डे को जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके डीए और डीआर के इंक्रीमेंट में। तो आप देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट में, और इसके अलावा आप जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के जो आंकड़े आते हैं वो नए बेस ईयर के हिसाब से आते हैं। आप देख सकते हैं पहले बेस ईयर कुछ और था, अब बेस ईयर 2016 हो गया है, जिसे 100 के इक्वल माना जाता है। चलिए आपको की हाइलाइट्स देख लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स 2016 इक्वल टू 100 फॉर मार्च 2021 इंक्रीज टू 119.6 पॉइंट्स कंपेयर टू 190 पॉइंट्स फॉर फरवरी 2021। तो कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, एक बोल सकते हैं बड़ी राहत की खबर है कि अब जो है पिछले महीने से यानी फरवरी 2021 से मार्च 2021 के बीच में 0.6 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है, यानी इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि कर्मचारियों के डीए और डीआर में बढ़ोतरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बाकी आप देख सकते हैं ये वो प्रोडक्ट हैं जिनके बेसिस पर, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं एक बार देख लीजिए आप, कुकिंग गैस है, पेट्रोल है, पोल्ट्री चिकन है, एडिबल ऑयल्स है, एप्पल है, टी लीफ है, सर्व्ड एंड प्रोसेस्ड पैकेजिंग फूड है, एट्सेट्रा है। और बाकी अलावा ये देख सकते हैं कि ये इस नोटिफिकेशन में ये वो फूड स्टफ हैं जिनके बेसिस पर कमी और बढ़ोतरी होती है, और उसी के बेसिस पर डीए और डीआर तय किया जाता है आपके खाने के चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो ये वो सिटीज़ हैं जिनके बेसिस पर डीए और डीआर तय किया जाता है। अब हमें मतलब होता है उस पैराग्राफ के उस पॉइंट से जिस पॉइंट्स को हम डीए और डीआर में कैलकुलेटर में पुट अप करके आपका डीए और डीआर हम बता पाते हैं। तो 119.6 को पुराने पॉइंट के हिसाब से अगर हम लेके चलें तो आप देख सकते हैं मार्च मंथ में 344 अंक के साथ में आता है, उसमें 344 संख्या के साथ में डीए और डीआर की बात करें तो 29.50 डीए और डीआर होता है। वहीं अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जनवरी में कितना होगा, तो जनवरी में बता रहा हूं कि 28.47 डीए और डीआर है, जिसे राउंड अबाउट 28% के हिसाब से आपको प्रोवाइड कराया जाता अगर ये फ्रीज नहीं होता, अगर ये फ्रीज नहीं होता तो आप देख सकते हैं हम एक्सपेक्टेड, अब देखें जुलाई 2021 में कितना प्रोवाइड कराया जाएगा, तो हम एक्सपेक्टेड दो अंक की बढ़ोतरी कर रहे हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं कि अभी दो अंक की बढ़ोतरी होती आ रही है। तो महंगाई के आंकड़े हैं उसी हिसाब से देख सकते हैं, अगर हम फिर से दो अंक की बढ़ोतरी करते हैं तो 346 अंक के साथ में 30.04 डीए और डीआर होता है। वहीं अगले मंथ की बात करें मई मंथ की, अगर फिर से उसमें दो अंक की बढ़ोतरी होती है तो 348 अंक के साथ में 30.61% डीए और डीआर उसमें की गणना की जाएगी। और फाइनली अगर हम नेक्स्ट लास्ट मंथ की बात करें जो कि जून होगा, तो जून 2021 में अगर हम 2 से 3 अंक इसमें बढ़ोतरी कर देते हैं, हम एक्सपेक्टेड 2 अंक लेके चल रहे हैं, और तो 31.18% की बढ़ोतरी होगी। यानी अभी आपको पता है कि 17% डी और डी आर आपको प्रोवाइड कराया जाता है, तो 17 से सीधा आपकी आप ये समझिए कि 14 से 15% की बढ़ोतरी होगी, और वृद्धि ये काफ़ी ज़्यादा वृद्धि है जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफ़ी राहत मिलने वाली है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ मैं कि
जैसे ही आपका एचआरए जैसे ही आपका डीए और डीआर 25% क्रॉस करेगा तो आपके एचआरए में भी बहुत वृद्धि होने वाली है, चाहे वो एक्स सिटी हो, चाहे वो बाय सिटी हो और चाहे वो जेड सिटी है। तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी आपकी बढ़ने वाली है। हालाँकि इसका एरियर के बारे में जो है अभी तक नहीं कहा जा सका है कि एरियर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। हालाँकि जो लास्ट ईयर के अप्रैल 2020 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बोला गया था कि आपको एरियर प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। और आगे जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा हम आपको अपडेट जरूर करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, इसको शेयर जरूर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके हिसाब से कितने प्रतिशत डीए और डीआर सरकार आपको प्रोवाइड करा सकती है। और इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि जो नया बेस ईयर है 2016 आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 के इक्वल माना गया, क्या ये बेस ईयर अच्छा है या पुराना वाला भी बेस ईयर अच्छा था, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।